सलाम अलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू दस कदम। मैं हूं आपका नया होस्ट डेविड धवन। सलमान भाई आज लेट है। नहीं नहीं, वो हमेशा लेट है, मगर मैं वक्त से पहले आ गया और जो आने वाला है वो सही वक्त पे आने वाला है। तो हम शुरू करें। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। रितेश देशमुख। कैसे कहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ वहाँ मिली। जा जा जा, जाने भी दे, इश्क भी खुशबू आने भी दे। देखा तुझको दिल में मेरे, उठी हूँ तू मेरी माशूक। जाती का सर तू, और यू का तू वेलकम टू दस का दम। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए खेलता है? हम खेलते हैं ताकि लोगों से मिल सके, उनसे बातें कर सके और उन्हें दस करोड़ दे सके। नहीं, क्या कर रहा है? मैं होस्ट कर रहा था। आप एक और चांस दीजिए देवी जी। I'm kind of enjoying this. एक चांस, yes, yes, yes. One more chance, huh? मेरे साथ नहीं खेला तो क्या खेला? Welcome तो दस का दम, जहां जीत सकते हैं आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ नहीं, बल्कि 10 करोड़ रुपए। ये प्रतिभा, प्रतिमा, ये प्रतिशोध का नहीं है, परिषद का खेल है। भाई नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, इसे मारेंगे। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट हैविंग फन। क्या मारेंगे? I was having fun. Buddy. She's a beautiful woman. आँखें हैं इसकी, बातें हैं इसकी, चेहरा है इसका। Welcome. नमस्कार, 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 अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं अमिताभ जी का छोटा भाई अमिताभ रक्षण और आप लोग देख रहे हैं 10 में 10 कम। दस का दम। आप लोग देख रहे हैं ज्यादा खुशी नो गम। नहीं, वो तो फिल्म होगी, हम लोग 10 का दम की बात करें। आप लोग देख रहे हैं 10 का दम। नहीं, वो डर, वो डम डम डिगा वाला दम नहीं, वो दम मारो दम वाला दम। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जिसकी तारीफ में आप कुछ कहेंगे। हाँ, जिसकी तारीफ जितनी कम की जाए उतनी ही ज्यादा है। तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतनी है कम, क्योंकि यह है 10 का दम। क्योंकि आपके साथ
लोग मिलके डेविड वाला दस का दम। आप लोग दोनों साथ खेले पिछले टाइम से है ना हम लोग पिछले टाइम में तो इसने आपको बिठा दिया था अभी साथ में ले लिया रितेश वेलकम बड़ी यार तो वेलकम टू दस का दम जहां आज हम आपसे स्ट्रिक्टली कहेंगे डू नॉट डिस्टर्ब क्योंकि आज डीकेडी यानी के दस का दम में आए हैं डीकेडी वाले ये पिक्चर का टाइटल है बॉस ये स्पेलिंग गड़बड़ है आपकी स्पेलिंग गड़बड़ है क्यों कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए थे आप क्यों टाइटल अपना ऐसा क्या डू नॉट क्यों है के एन ओ टी डू नॉट क्यों इनके लफड़े हैं पिक्चर में ये कहेंगे मुझे तो आज पता चला कि फिल्म का टाइटल ये यार दिल्ली के ऊपर है पार्टनर के बाद तूने इसको ले लिया सोहेल को ले लिया जो कि पार्टनर का प्रोड्यूसर था तू मेरे को आउट कर दिया क्यों दस का दम दिलाया ना तेरे को नहीं क्या है क्या तेरा कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ अभी लड़ना नहीं यहाँ पे यार तू तगड़ा है और गुस्सा भी तेरे में बहुत है पर थप्पड़ वाले गुस्सा मेरे में गुस्से में तो ये मैं गुस्सा में हर फिल्म में प्यार करता हूँ इसकी फिल्म में कई बार करता हूँ तीन चार से करता हूँ लेकिन ये क्या था आपने एक जोर से खींच के चमाटा मारा कि कुछ गलत दम दिखा रहा था तो आपने दस का दम दे दिया उसको हाँ गोविंद हुआ कहता हूँ हाँ क्योंकि वो मैं लंदन में था और मैं टीवी ऑन किया तो मैं जैसे और करके कुछ कुर्सी पे पाव मारने की कोशिश कर रहा था लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था लड़कियों से वो किए ही जा रहा था उसको मैंने बुलाया उसको पूछा कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको तकलीफ क्या है आप किसके साथ हैं बोला किसी के साथ नहीं हूँ बोला आपको प्रॉब्लम क्या है ना क्या है बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हैं तो बोला तो लो डेविड शुरू करें हाँ करते हैं भैया पहले तू यहाँ पे मुझे पता है कि तू डू नॉट डिस्टर्ब की पब्लिसिटी के लिए आया तू यहाँ पे क्या बोल रहा है डू नॉट डिस्टर्ब की पब्लिसिटी के लिए तू आया है तूने मुझे बताया नहीं हम लोग डू नॉट डिस्टर्ब के लिए आए रितेश आपने तो बताया नहीं था कि पिक्चर का नाम डू नॉट डिस्टर्ब ये गोविंदा तूने सब किया क्या बना कह रहा है इस बार ये पूछ रहा है कि बना कह रहा है इसको खुद को ही पता है क्या बना रहे हैं बनते बनते बन रही पिक्चर बनते नहीं नहीं इतनी इस बार ये कभी पता नहीं था ऐसी हो गई हिट वो जो पार्टनर वाली भी मगर ये जो है ना उसमें एक दो तीन चार क्या आगे क्या हीरो ने कहा है पिक्चर में तेरे साथ कब अरे दोनों मिस यूनिवर्स हैं इनके साथ हाँ अच्छा फिर मेरे साथ कौन है फिर सोहेल है तेरे साथ सोहेल है सर आई एम हैप्पी अबाउट दैट तो लारा दत्ता और सुष्मिता सेन दोनों आपको लगता है ऐसा कुछ ये होने देंगे इनका तो पता नहीं है मेरे मुझे साथ खड़ी है मुझे मुझे आपका पता है और उन दोनों का भी पता है कि नहीं होने देंगे अच्छा वेलकम टू दस का दम आप लोग मेरे साथ खेलेंगे क्लोरमिंट नॉकआउट राउंड मैं आपको इसके रूल्स समझाता हूं और गौर से सुनिएगा दोबारा मत पूछिएगा आपसे पूछे जाएंगे पांच सवाल और उनके जवाब हमारे इस LG LCD TV में फीड हुए हैं आपको इन्हें नॉकआउट करना है और आपको इन्हें तो जिसने भी पहले तीन प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम आप लोगों का पहला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपने थूक से अपने बाल सेट करते हैं और जिनके बाल ना हो तो वो थूक सेट करते हैं सर के बालों का पता नहीं लेकिन ये अपने नाक के बाल को सेट करते हैं थूक लगा
तू तेरे की क्या क्या काम आता है यार? बिल्कुल, आई थिंक सांस ले तो ठंडी सांसें भी आती होंगे इसे। ये तो ये जब कह रहा होता है कुछ तो भी थूक उड़ती है इसकी। तो ये अपने थूक से दूसरों के बाल भी सेट करते है। बड़ा मजा आ रहा है तेरे को। ये एडिटर भी है जी, ये थूक लगा के काम भी करते हैं। ये देखो ना, थूक से बाल सेट किए हुए हैं सारे। आप ने कभी अपने बालों को थूक से सेट किया है? बड़ा ही वाहियत सवाल है। बहुत ही वाहियत किस्म की। हर जगह थूक का काम आता है। हाँ, वैसे तारीफ में ही थू करता हूँ। थू और मैं बोलता हट, वो भी आता है फॉर डिसगस्ट। और फिर ऐसा नहीं किया लेकिन नजर उतारने के लिए, नजर उतार के किसिंग में वो सही जगह। डेविड को ज्यादा पता। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग थूक से बाल सेट करते हैं। थूक से बाल सेट करते हैं। अच्छे लग रहे तेरे बाल आज। नहा कर मेरा गला काफी सूखा हुआ है आज। कुछ लोग डेविड तू ही जवाब दे, तू अच्छा जवाब बाल भी सेट करते होगे। जवाब दे नकोड़े। जी हाँ, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। शुरू होते हैं अब। हो गए? अरे हो गया? अरे ये हाँ। तू बैठे हो, तेरे को जवाब देना। तू इधर खड़ा था ना, तेरे को करना था। आपने लगाया 62%। ये लगाना चाहते शायद और, लेकिन लेट हो गए। लेट हो गए। आए देखते हैं कौन जीतते हैं, रितेश या गोविंद और डेविड। यहाँ पर सब लोगों ने मुझे बोला और ऊपर और ऊपर और ऊपर, सब लोग थूक लगा के बाल सेट करके आए। ये और ऊपर और मुझे ऊपर पहुँचा दिया। स्कोर है 1-0। आप 1, आप 0। आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स की संख्या बड़ा चढ़ाकर बताते हैं? 100%। कोई तो सवाल हम लोग को भी पूछो यार, सब सवाल इसी को पूछ रहे हो। बढ़ा चढ़ाकर रितेश क्या लग रहा है? मुझे लगता है काफी लोग ये जवाब तो तू भी दे सकता है कि बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ये बचपन में ये होता होगा ना कि ये तो बचपन में भी हो रहा है। मेरी उम्र बता रहा तू? नहीं नहीं, मैंने कम बोला। बहुत कम बोला है। लेकिन क्या डेविड जी आप करते हैं? छुपा के रखना चाहिए। क्यों छुपा के क्यों? सब तुम्हारी जैसे थोड़ी हो सकते हैं। खुला है ऐसे, यहाँ से शुरू होता है। हाँ ये तो है, ये बता। ये तो है नहीं, ये बड़ा चढ़ाता नहीं, मतलब ये बढ़ाता चढ़ाता नहीं है, बट वैसे बड़ा चढ़ा है। हाँ, ना तो कोई रिकॉर्ड तो हुआ, ना तो कोई शर्त है, ना कोई शर्ट है। बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं, बहुत से प्रोड्यूसर पहले फिल्म लाइन में तो ये हुआ ही करता था। बोला पूछो भी तो लोगों से, कहते हैं क्या हाल चाल है भाई, पिछलेस ये कौन है? है तो पीटर ये होता था, और डेविड तो हमेशा करता है सर। और ये तेरी बीवी लाला भी देख रही है, लाली भाभी देख रही है। वही है बस, और क्या बचा? नहीं नहीं कुछ नहीं, कभी कितना अच्छा है देखो ना। हाय हाय हाय, सुनीता भी मासूम भोला भाला। भोला कम भाला ज्यादा है तू। हाँ
चलो जवाब देते हैं। जवाब दे दे, तू ही दे दे अभी। हाँ? पिछला जवाब तो इतना गलत दिया था तूने। जीते थे जी। ऐसे आपके कोई दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला या आपने कभी बोला या आपने कम किया? ये झूठ काफी लोग बोलते हैं। मैं तो बोलता हूं। हां आप तो बोलते ही हैं। लेकिन ये तो कुछ बोलता नहीं। ये झूठ बोलता नहीं। ये चुप रह रहे के तू बोलते ही तू वही बोलता हूं। यार मेरे मुंह से कुछ निकलता ही तेरे मुंह से निकलता ही नहीं। ये जो निकल रहा है ये कितना बड़ा झूठ है। हाँ चलो भाई जी। क्या हाँ आइए 10 सेकेंड आप दोनों के पास। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। प्रश्न ये, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की संख्या बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं? ओह नो वी आर सो क्लोज। आपने लगाया 58% और आपने लगाया 60%। आए देखे कौन जीतते हैं। रितेश या गोविंद? का अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक कॉमेडियन की शक्ल भी फनी होनी चाहिए? देखो भैया, देखो भैया, देखो इंसलेट हो रही है। आप कॉमेडी करते हैं? आप कॉमेडी करते हैं? मैं कॉमेडी करता हूं, आप कॉमेडी करते हैं, वो तो हो जाती है। इसी एंगल से हम लोग फनी लगते हैं। फनी लगना चाहिए, लगना चाहिए लेकिन मानना नहीं चाहिए। होना चाहिए लेकिन करना नहीं चाहिए। होना चाहिए लेकिन दिखना नहीं चाहिए। इनको देखो, ये इनको देखो, ये फनी लगते हैं। ये लगते हैं लेकिन है नहीं। है नहीं, ये लगते हैं बहुत बड़े लेकिन है नहीं फनी। तो तू कौन सा सनी लग रहा है? ये कॉमेडी के लिए शक्ल की नहीं, अकल की जरूरत होती है। हाँ, कॉमेडी के लिए शक्ल बहुत डिफिकल्ट होता है कॉमेडी करना। कि हमारे कितने सारे कॉमेडियन हैं जो कि एकदम पोकर फेस थे। हाँ, जैसे कि हमारे महमूद भाईजान, लाइक जॉनी चाचा, मिस्टर जॉनी वॉकर, वी यूज़ टू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम। यू वेरी सीरियस मैन। बहुत कैरेक्टर था उनके फेस पे, इतने और इतने सीरियस, उनका सेंस भी अच्छा था। देखो जैसे एक राजपाल यादव कॉमेडी करता है लेकिन उसकी शक्ल फनी नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बहुत सारे, बहुत सारे में, बहुत सारे हो रहा है। वो बहुत सारे में एक है। वह बहुत सारे। देखो भाई, हाँ देखो भाई, इधर कोई नहीं आना इधर। आपका सबसे फनी सीन कौन सा था इतने सालों के एक्टिंग करियर में? ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट है। किस्म किस्म के फनी सीन हुए हैं। ये इनके साथ जो है कुछ भी हो सकता है, आप समझ नहीं सकते। मेरी फिल्म रितेश, आप जब आए हैं तो ये बहुत सुधर गए हैं, आपको पता नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे फनी करने की कोशिश की। एक सांप लेके आए, सांप के साथ में एक असगर भाई को लेके आए। कहा चिची कॉमेडी सीन है, कॉमेडी सीन है यार, चिची कॉमेडी सीन है, तू कर सकता है, क्या माल है, क्या माल है। बोला असगर भाई, वो जो सांप लगा, वो सांप के उसको ठीक से आपने बांधा है उसको ठीक से?
हाँ भैया फर्स्ट क्लास सब ठीक है, फर्स्ट क्लास कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, डेविड भाई को पहले ही दिखाया दे डेविड भाई उसे बांध के रखे भाई और करके फिर वो सांप सपोज टू बी वो धोती से निकल के यहाँ से निकल के इधर से कुछ उसको फन निकलना ये इन्होंने शॉर्ट रखा था। इतनी कॉमेडी करते हैं ये। तो इस बीच ये शॉर्ट करते 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 वो बड़ी मुश्किल से निकला, शॉर्ट हो गया, सब बड़े खुश हो गए, ये कॉमेडी हो रही इनकी। ये होने के बाद में अचानक उस सांप ने टर्न लिया और फन खोला और मुंह खोला और अंदर दांत नजर आए। मैंने बोला मम्मी उसको हटाया, हटाने के बाद बोला असगर भाई किधर हो? अरे यार इसमें तो दांत है। अरे लो टैगर टूट गए लगता है। देखा ये कॉमेडी, ये कॉमेडी, ये इनकी कॉमेडी थी। और ऊपर वाले का करम था कि उस सूरत में भी ये शक्ल जो है उसका करम रहा। Do not disturb में ऐसा कोई सीन है? Do not disturb में? जी। इन्होंने कई टाइम ऐसा किया, आप लोग इस बात के गवाह हो, आप लोग गवाह हो। क्या किया? ये शादी करवाते हैं फिर मेरा अफेयर करवाते हैं। अच्छा कितना खुद तो फेयर रहते हैं, कितने साथ फेयर नहीं करवाते हैं। और तरह तरह से जब मेरी वाट लगने की कोशिश होती है तरह तरह से उसमें से कैसे कैसे मैं बचता हूँ, कैसे कैसे ऊपर वाला करम करता है, इनकी कॉमेडी होती है। अब इसके सीन इतने गंदे गंदे सीन होते डेविड के। अब ये मेरे सीन गंदे होते? नहीं नहीं ज्यादा गंदे होते। ये क्या रबड़ रबड़ पहले तो ये खुद काट देता है उसके बाद आता है। पर आएंगे ना गोविंद करेंगे ना उसको? बड़े मियाँ छोटे मियाँ में तो कमाल होता था, इनको तो सीन दिखा देते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में एक ऐसे आता था, ये क्या है? ये सीन है इधर क्या, ये तो एक लाइन दिखाई दे रही है। नहीं नहीं इतना ही बोलना है, जस्ता बात ज़्यादा ज़्यादा तुम लोग नहीं करने का, समझे ना? तुम लोग बहुत इधर उधर कर देते हो, तुम लोग को पूरा दिखाई नहीं सकता हूँ मैं, ये होता था इनके साथ में। जी हाँ, सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि कॉमेडियन की शक्ल भी फनी होनी चाहिए? 10 सेकेंड आपके पास, 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। रितेश 57, डेविड 8, ये इज 8। तुम्हारे बारे थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, ये बाकियों के लिए सवाल है। अच्छा मुझे बताइए आप कितना लगाते डेविड जी, आपका क्या है अंदाजा? 30 आसपास। 30, मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा ही। ये लो ये इनका सुनो, 30 बता रहा है कि 30 मर रहा है? 8। आए देखे कौन जीतते हैं, गोविंद या रितेश? Congratulations. Thank you, sir. अगर इन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया तो ये खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आप लोगों ने Do Not Disturb में एक सीन किया था जी, बहुत तारीफ करते हो उस सीन के, है क्या? इनसे सवाल पूछा था। हाँ क्या? अबे तू जिसके साथ मस्करी कर रहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई वर्ल्ड क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था मैं कि जिसको देखकर खुश हो जाऊं मैं, समझा? सर मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता तू? सर मैं आपकी, मेरी क्या? आपकी वाइफ को। वाइफ को क्या? सारी सच्चाई बता दूंगा सर। बेवकूफ हो गया था, बेवकूफ हो गया है। वादा कर, वादा कर, तू ना ऐसा करेगा ना ऐसा कहेगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा। कुछ नहीं कहूंगा, कुछ कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहूंगा मैं, कुछ मत कह, कुछ नहीं कहूंगा। आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि किन्नरों को पैसा देने से किस्मत चमक जाती है? नहीं नहीं पैसे देना चाहिए, देना चाहिए। भारतीय क्या दुनिया में सभी ये मानते हैं, जिसे हम सदके कहते हैं, दान पुण्य कहते हैं, जकात कहते हैं, और हर अच्छा काम जिसमें आप किसी का भला कर रहे हैं, इतना अमीर कोई नहीं है कि किसी को दुआ भी ना दे सके, और इतना गरीब कोई नहीं है
जो दुआ नहीं देता। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रतिशत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पैसे देने से यू नो इट्स गुड लक। कोई कोई इसलिए देते हैं कि शायद अगर नहीं दें तो कहीं बद्दुआ दे दें तो फिर वो बोलते हैं कि वो भी एक फियर होता है। नहीं, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा सोचते हैं। लेकिन ये आप मानते हैं कि गुड लक जो उनकी दुआएं हैं वो लगती हैं? देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना जी, ऑलवेज उनकी गोद में दिया जाता है। मैंने देखा है काफ़ी जगह, तरह तरह से, तरीके तरीकों से उनकी दुआ लें। हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के हर कोने में जी दुआ लेने के कई सलीके, कई तरीके हैं। और जितने तरीकों में वो ताकत आती है, ये खुशनसीबी की बात है। 10 सेकेंड है आपके पास। 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि किन्नरों को पैसे देने से किस्मत चमक जाती है। रितेश 73, गोविंद 80। आए देखें कौन जीतते हैं। कांग्रेचुलेशन। ये आप लोगों का डिसाइडर प्रश्न होगा। अभी प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय आम को काट कर खाने के बजाय उसे चूस कर खाना पसंद करते हैं। डेविड का सवाल है। आम खाता ही नहीं। तू खास खाता है? आम अलाउड नहीं है। आम नहीं खाता तो क्या खास खाता है? क्या शुगर का बीमारी है? ये आम खाता ही नहीं है। ये टॉपिक मेरी बात का। वो मैंगोज ले आए। देखो, हाँ लाओ भैया, आप ही के लिए लाए। आइए, ये देखते हैं यार कौन कैसे चूस के खाते हैं। 6 आम है। ये खास खाएगा? मैं तो नहीं खाएगा। नहीं कुछ नहीं, हम लोग हैं यहाँ। नो, बुला लेंगे डॉक्टर को। चलो, हम लोग खास खाते हैं। हाँ, आम नहीं। काट के ज्यादा यू लाइक इट टू काटो और खाओ या चूसो और खाओ? गौर नहीं किया। डिपेंड करता है मूड पर। अगर घर पर बैठे हो तो अगर कहीं बाहर वार गया तो अगर फिर... आम छोटा हो तो चूस कर खाना अच्छा होता है। क्या आपके बड़े आम में क्या प्रॉब्लम है? आम होता है। As long as tastes good, it's more than welcome. कितने प्रतिशत भारतीय आम को काट कर खाने के बजाय चूस कर खाना पसंद करते हैं? ये आप लोगों का डिसाइडर प्रश्न है। जिसने भी इस प्रश्न का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आपके पास 10 सेकेंड है। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। रितेश लगाया 55%, गोविंद लगाया 47%। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो चूस कर खाना पसंद करेंगे आम को। हम लोगों ने इतनी खुशी। इतनी खुशी। ठीक से करना। यू हैव टू सपोर्ट। गोविंद, आपके गाने बड़े अच्छे हैं डू नॉट डिस्टर्ब के, तो हमारे जरा दर्शकों को एक आपके डांस का एक नमूना दिखा दें।
थैंक यू। मुझे एक बात बताइए डेविड जी, आप के आपका पांव टूटा है ना? नहीं। हाँ, 10 साल पहले की बात है ये। अक्षय के साथ एक पिक्चर कर रहे थे, हाँ, स्विमिंग पूल के पास, और अकी ने उनको पूल में धक्का मार दिया जिस पूल में पानी नहीं था। क्या हुआ? अभी क्या है, ये बहुत से सवाल तुमने पूछे सब लोगों को, करेक्ट है ना? अभी तक तुम, अब हम लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। हाँ। सवाल ये पड़ेगा, जवाब आप दोगे। आप इधर आइए, अभी बहुत कुछ सवाल हम भी पूछे। मैं ये बहुत देर से आपको मुझे कहना चाहता था, लेकिन अब ऑफिशियली कहूंगा, मेरे साथ नहीं खेला तो क्या खेला? दस का दम। हाँ, क्या सवाल, क्या है सवाल, पढ़े बोलो। सवाल पहला, झूल तो आपको पता ही है जी, कितने प्रतिशत, एक मिनट, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि सलमान आप शादी कब कर रहे हो? इस सवाल पर परमानेंट बैन लगा देना चाहिए, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सलमान भाई आप शादी कब कर रहे हो, इस सवाल पर परमानेंट लगा देना चाहिए। कि मैं आपके बाप बताऊं कि जोड़ी ऊपर बनती है, बिल्कुल बन रही है मेरी। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है उसका। चल रहा है। मैं अनुमान लगाना चाहूंगा, जरा कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कितने प्रतिशत भारतीयों का कहना है प्रतिशत कि सलमान शादी कब करेंगे? इस सवाल पर बैन लगा दिया जाए। बैन लगाना चाहिए। हाँ, शादी वाला बैन नहीं, सवाल पर बैन। सवाल पे बैन लगा दिया। क्या ये कह रहा, शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी तो बैन करेगा तो क्या बैन? शादी होगी इसकी यार, ये कर ली, शादी कर ली, पता है नहीं हमको, बुला शादी का सवाल छोड़ो, ये बताओ बच्चे कितने? हाँ, मतलब बता नहीं रहे तो यही बता दो, क्या बच्चे कितने हैं? सॉरी 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 बच्चे नहीं अभी तक, हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, लेकिन वो मेरे नीसेस नेफ्यूज हैं जो कि मेरे बच्चों की तरह है, और फिर मेरे बच बच के फिर माई जान है और फिर माई सन है, जो कि माई सन वो एक्सपायर्ड पास, अभी उसके दूसरा आ गया, फिर एक सेंट है और एक माई लव है, तीन बच्चों कुत्ते हैं जो मैं बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ उनको। तो हमें रिजल्ट देख लेना चाहिए जी। जी छापूं? छापो छापो, यस यस, वो स्लॉट मशीन प्लीज छाप दीजिए। तड़प रहा था ये करने के लिए, छाप दिया, छाप दिया। क्या हम देख सकते हैं कि फैसला क्या था आवाम का? कितना सीरियस, कितना शरीर है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जी हाँ, शादी भी तो 22%, लेकिन 75% लोग ये सवाल पूछ लेना चाहते हैं आपसे, इसका मतलब ये हो। They want to know. Yes, they don't want a ban on this question. They want this question to be asked every time. तो अभी दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे। जी पूछिए। ये और खतरनाक है। और खतरनाक है। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा है कि वो सलमान को सिर्फ एक बार टच करना चाहते हैं? और उस टच के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सलमान को टच करना चाहती हैं? ओके फाइन, मैं यहाँ बैठे सभी मर्दों से सवाल पूछना था, क्या आप सलमान को टच करना चाहते हो?
डिपेंड करता है कि कहाँ टच करना चाहती हैं। मतलब के अगर दिल से दिल छूना चाहती हैं जी, दूर से जी, तो मोर देन वेलकम जी। अगर ऐसा टच करके आशीर्वाद देना चाहती हैं तो ओके। अगर प्यार से गाल को चला तो ओके। अगर पैसा टच करना चाहती हैं तो जान देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जान जो तो भी हो, जो जान भी तो हो वैसी चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ही ले लूंगा। नहीं नहीं, सबसे बेस्ट चीज क्या है मालूम है रितेश जी, ये शादी के लड्डू जी, शादी के लड्डू जिसको कहते हैं जी, आप जब सवाल पूछ रहे थे जी, तो ये मैच हो सलमान खान प्रतिशत वाले, ये ऐसे खड़े थे। अच्छा, जो प्रतिशत वाला है ना, ये जो मैं करता हूँ ना, इस एक्चुअली फ्रॉम असरानी साहब। या प्रतिशत जी हाँ, तो जी, सवाल तो इस बार खिड़की है 30% की। अगर दादा दादी, दादा दादा नहीं, दादी नानी बहन माँ टाइप के टच हैं तो आई वुड से 70 to 100। अगर दूसरे टच है तो आई वुड नहीं, ये आप सोच रहे हैं, सवाल ये है कि कितनी होती है। I won't say anything. I would say 0 to 30. 0 to 30 जी, 0 to 30 बहुत होता है ये तो। 30% 30% 30 क्यों बोल रहा है? बहुत होता है यार ये तो। लेकिन मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। हाँ, दो जीरो टू थर्टी नहीं, आप बिल्कुल आपको क्या बोलिए, व्हाट डू थिंक, 60 to 80 और ऊपर, 80 से ऊपर, 70 to 100। सी आई लव दिस गर्ल, यू आर ब्रिलियंट, 70 to 100। ये भारत की जनता है जो ये फैसला करती है कि 70 to 100% लड़कियां आपको टच करना चाहती हैं। यार मैं अपने आप को रोज टच करता हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे टच के अंदर के, क्यों? कभी उनको टच करवाने दीजिए, बाद में पता चलेगा। मुझे खुद को रिएक्शन देखना टच के ऊपर, आइए मैं आपको टच का रिएक्शन दिखाता हूँ। ये लीजिए टच का रिएक्शन, ये है टच का रिएक्शन, ये एक और रिएक्शन टच का। Thank you. Salman Khan. तो इस टच के रिएक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 100 होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है मैं मार डालूंगा। छाप दे, सुपर, लेट्स सी द रिजल्ट। टच करना चाहते हैं, जो बाकी जो कितने बचे, 22% लोग हैं, वो भी इंशाल्लाह टच करना चाहेंगे मुझे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है जी। आपका अगला प्रश्न जो आप मुझसे पूछेंगे। सर ये तो जीत रहे हैं, जीत रहे हैं सर, वेरी गुड। कितने प्रतिशत भारतीयों को सलमान खान का प्रतिशत बोलना बड़ा प्यारा लगता है? एक बार प्लीज आप बोल कर दिखाइए। कितने प्रतिशत भारतीयों को मेरा प्रतिशत बोलना अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा। माय वोट,
एक अनुमान लगाता हूँ, आप भी जरा बताइए मुझे क्या है। ये बहुत ऊपर जा रहा हूँ यार मैं। ओके, खिड़की 20% की है। 20% की खिड़की है। या इट्स वेरी क्लोज। करेक्ट है। करेक्ट है। छाप दिया। छाप दिया। छाप दिया। सुपर। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। अरे मैं क्या क्यों नर्वस हो रहा हूँ यार? जवाब देना तो है। अगर मैं खेल रहा होता और जीत रहा होता तो कितना जीत रहा होता? आप 10 लाख रुपए जीत रहे होते। हाँ, आप अगला प्रश्न पूछिए। अगला प्रश्न, आप जीतते तो कितना जीतते? Into 10, right? जी, अभी 10% की खिड़की है। 10% खिड़की है। प्रश्न क्या है? कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि सलमान अपना season 1 वाला वादा पूरा करेंगे? जो कि season 1 में आपने आपने एक वादा किया था हम लोग को। ओ यार नहीं यार। यस, वादा वादा है। वादा, ओ वादा, तेरा वादा। चलिए करिए वादा पूरा। कौन सा वादा? वही वादा, लेकिन क्या क्या कर क्या वादा? क्या वादा? शर्ट निकालने वाले थे, सबको दिखाने वाले थे। अभी थोड़ी देर बाद देखो, पूरा भारत पूरा सोनी टीवी पे आंख लगा के बैठे होंगे सब लोग। कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि सलमान अपना season 1 का वादा पूरा करेंगे? दस प्रतिशत की खिड़की है ये। आपका क्या अनुमान है? मरवा दो। ये देखो, अरे बाप रे, ये 90-100 क्या करें? 44-54 पे जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि पिछली बार नहीं निकाला था, तो शायद 50% लोग सोचे कि इस बार निकाल देगा। अगर 50% ऐसे भी सोचेंगे कि नहीं निकालेगा, पिछली बार नहीं निकाला तो इस बार क्यों निकालेगा। नहीं निकाला ना, निकलवाया गया। हाँ, अभी तो हाँ निकलवाया गया। तो कैन यू इमेजिन मी यार, इसने ही डिड इट। इसको छोड़ मत, इसको भी, इसका भी उतार। नहीं वो कर दिया। मुझे इसकी बॉडी देखनी है। मैं जाके बैठूंगा। और मुझे शर्म आ रही थी यार, पहली बार लाइव के अंदर। बस फिनिश है।
It's good. That's a good, good reason. Yeah. अरे बट डेविड मेरे को तो शर्ट निकालने के लिए मौका चाहिए होता है. Any excuse. जन्म ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज़ आए आज जिंदगी में आना सनम कितने प्रतिशत स्टूडियो वालों को लगता है कि सलमान जी को अपनी करता हूं मैं सबके सामने और छाप देता हूं. दिखाओ रिजल्ट दिखाओ. आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो वहाँ पे जो खड़ा होता है ना उसके ऊपर इतना टेंशन होता है कि इट्स अनबिलीवेबल. और हैट्स ऑफ जो जो खेले हैं वहाँ पे आके, हैट्स ऑफ टू देम. फर्स्ट आई हैव टू एडमिट मैंने टीवी पे इतने सारे शोज देखे हैं बट बाय फार यू आर द बेस्ट होस्ट दैट
absolutely sporting, absolutely natural, and the crowd loves you, and so do we. What you see is what you get. Absolutely. And thinking ये कि आप हमारे घर आए, आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान भगवान होता है. तो अगर आप you have to be nice to them and if you guys जितने भी यहाँ पे आए खेलने के लिए the audience इतने wonderful लोग हैं कि अगर मैं कहीं किसी से कोई अगर बदतमीज़ attitude पे दिखाऊँगा तो मुझसे बड़ा बदतमीज़ आदमी इस दुनिया में नहीं है. अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे. बहुत हो गई हंसी मजाक. इन्होंने मेरी कमीज उतार दी. अब कहीं आदत नहीं लग जाए बस मुझे. ऑलमोस्ट आपने मेरा रेप कर दिया था आज. कैसा आप किसी मर्द का शर्ट ऐसा कैसा खींच के उतार सकते हैं? ये आपने मेरा बदला ले लिया जो मैंने ये जो मेकअप रूम के अंदर इनका जो हालत हुआ था आज डेविड जी के साथ क्या हुआ था मेकअप रूम में? काफी कुछ मेरी आंख में चौक गया था. मैंने कुछ नहीं देखा. क्या हुआ क्या था डेविड जी के साथ? डेविड के साथ ना हाँ मेकअप रूम में शर्ट की जगह कुछ और उतर गया था. बोल बोले घर चलते घर चला. अरे मैंने कहा शर्ट की जगह कुछ और गया. मैंने पैंट थोड़ी कहा या कुछ कहा थोड़ी. मतलब के मैंने कुछ कहा नहीं. तो उन्होंने ये मतलब मेरा यहाँ उतार दिया मेरा शर्ट. मैंने तो कुछ कहा ही नहीं. मैं तो तमीज में हूँ. जी हाँ तो आप खेल रहे हैं मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम. इनके हारने की खुशी में आप एक गाना गाना चाहेंगे? नहीं 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 मैं तो ये चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे साथ आए हम तीनों इकट्ठा खेलें. वो एक फ्रेम में फिट नहीं होंगे. एक फ्रेम में तो ये अकेला फिट नहीं होता. यहाँ से तेरे को बताऊंगा तीन कहाँ से फिट होंगे. आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन मराठी. हाँ सिंग अ सॉन्ग मराठी. ढगल लगली कड़ पानी थेम थेम गड़म. ढगल लगली कड़ पानी थेम थेम गड़म. ये चल गानी गाऊ या गाने फिरू या पकड़ा संगम. एक मिनट. हाँ अरे नहीं नहीं यू हैव टू नहीं नहीं सारे या एकदम चल गरानी गाऊ या गाने फिर या पखरा संगम. आपसे प्रश्न पूछने से पहले एक प्रश्न है डेविड जी के लिए. जी कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं डेविड धवन को सेक्सी समझती हैं? मैं जरा घूम के आता हूं. प्रश्न यह है कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन वुमेन फाइंड मिस्टर डेविड धवन वेरी वेरी सेक्सी? वेरी वेरी सेक्सी. हाँ वेरी सेक्सी नहीं कर तेरी पैंट भी सेक्सी तेरी शर्ट भी सेक्सी तेरी बाल भी सेक्सी तेरे गाल भी सेक्सी रुमाल भी सेक्सी है. गाली दे रही है तू? मोटो कितना क्यूट है. तेरा फेस भी कितना स्वीट है. इसका जवाब है 1%. और उनका नाम है लाला. और ये लाला के लिए वो गाना गा रहे थे अभी. कौन सा गाना? वो गाना गा रहे थे आप लाला भी गाना. अरे ये तो लिप मूवमेंट तो करना. गाना नहीं गा रहे. गोविंद गाएंगे और आप लिप मूवमेंट कीजिए. फॉर लाली भाभी. फॉर लाली भाभी. ला 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 साथी रे. सैड गाना यार ये तो. अरे सैड गाना से तो रोमांटिक गाना. हाँ सूर्य चला गया अभी. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. तेरे बिना भी क्या जीना. लेकिन
हो गया ऊपर नीचे वाला वाला आगे गाऊंगा तो ये रो देगा लाला लाला मुझे माफ कर दे लाला क्या रोता है मालूम है रोता है रोता है बीवी के सामने रोता है नहीं नहीं जी हाँ आइए खेलते हैं मनी राउंड ऑफ दस का दम विथ मिस्टर रितेश देशमुख आप किस चैरिटी के लिए खेल रहे हैं हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बीइंग ह्यूमन चैरिटी के लिए खेलेंगे लेट्स प्ले दस का दम आपका पहला प्रश्न खिड़की है 40% की प्रश्न है ये कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष कभी ना कभी एक महिला के लिबास पहन चुके हैं आप पहन चुके हैं आप पहन चुके हैं मैं पहन चुका हूं आप पहन भी चुके पहन चुके हैं हाँ। डेविड जी आपने घर पे कभी पहना है पर जो तुम लोग ने पहने हैं वो तो पिक्चर की जरूरत थी जी सो दैट विल नॉट बी काउंटेड थैंक गॉड डेविड थैंक गॉड ये हमारी जरूरत नहीं है ये स्क्रिप्ट डिमांड करती थी इसलिए आपने तो क्या साड़ी पहनी क्या नहीं वो बंटी और बबली का लुक था एक सलवार सलवार पहना आपने क्या आपका पहना है आपने स्कर्ट पहना है कुली नंबर 1 पहना ना साड़ी पहनी है आपने आंटी बनी हुई थी यार चाइनीज भी बनी हुई थी हाँ चाइनीज भी बनी थी और आप स्कर्ट पहन के शायद कबड्डी भी खेले हाँ 16 शबनम में ये आपने कैसे मैनेज कर लिया अब कबड्डी हाँ स्कर्ट पहन के कबड्डी खेलना तुम देखा ना कितने स्टाइल में खेल रहा था मैंने आपको न्यूयॉर्क में देखा था जी हाँ छोटा छोटा स्कर्ट था अच्छा छोटा बहुत दूर तक जा रहे हैं आप जाने मन में एक सीन था जहाँ पे मुझे मैरिलिन मनरो का स्कर्ट पहनना था अच्छा तो जब स्क्रिप्ट सुनते वक्त हाँ कर दिया अब वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी बीच टाइम स्क्वायर के अंदर एक आदमी पूरा मेकअप के साथ विग लगा कर और वाइट स्कर्ट जो कि उड़ रहा है बार बार यार तो बार बार मैं बार बार फिर मैंने नीचे क्लिप पे लगाना शुरू कर दिए थे कमाल है कैसा पहनते हैं लोग इसे मैंने आपको दौड़ते हुए देखा है जी हाँ बागी में बिकिनी में मैं दौड़ा बिकिनी में दौड़ा और वो एक ही शॉट हुआ है एक ही शॉट हुआ था बोला कि दीपक मैं यहाँ से भागूंगा तू बस शूट कर लेना उसके बाद वापस आके भागूंगा नहीं मैं भागा हूँ वहाँ से एल्फेस्टन कॉलेज में शूटिंग चल रही थी तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई थी मैंने प्यार किया के बाद शूटिंग चल रही तो बहुत उस वक्त तो मैंने प्यार किया और सडनली एक बिकिनी में सलमान खान भागा सीधा गाड़ी में बैठ के निकल गया दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट वाज द बेस्ट थिंग टू हैपन सलमान खान लाइक दिस कटू तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष कभी ना कभी एक महिला का लिबास पहन चुके हम तो पहन चुके भैया लेकिन काम के लिए पहन चुके हैं 0 to 40 क्या लगता है आपको अरे आंटी नंबर 1 का एक सीन है यार गोविंद याद है मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी जैसी हूँ गौर से देखिए मैं एक जैसी हूँ आई डोंट नो नशा मेरा चढ़ के उतरता नहीं और मुझे देख कर दिल भी भरता नहीं आई रिमेम्बर वन मोर सीन ऑफ हिज वेगोस राजा ही होगा हाय हाय राजा ही होगा क्या देखो तुम जो चाहे कर लो मगर तुम्हारा होने वाला वर राजा ही होगा। आप एक अनुमान लगाइए आप लोग भी वोट कीजिए अनुमान लगाएं 20 to 60 बहुत ज्यादा नहीं है कभी ना कभी महिला का लिबास पहन चुके हैं 0 to 40 रहे सिर्फ 0 लगाने सेंस नहीं है ना 10 to 50 क्योंकि मुझे लगता है इतने ज्यादा लोग पहनकर घूमते होंगे घूमते हैं काफी सारे लोग घूमते हैं 10 to 50 नहीं ज्यादा हो गया ज्यादा बस करेक्ट है
नहीं नहीं नीचे ऊपर 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 दो ठीक है 8 to 48 का हाँ 8 to 48 ये थोड़ा बचपन में लोग मम्मियाँ पहनाती हैं लड़कों को 8 से 48 बच्चों का भी आता है जो लड़कों को फ्रॉक पहनाते हैं वो भी आता है वो भी आएगा ना वो भी आएगा अगर अगर एट सम पॉइंट टाइम अगर उनको याद है तो वो भी आएगा अच्छा लेकिन वो तो ठीक है ये लाली माँ का नाइटी पहनता है सुबह को बस इतने सुबह चले गए मैं चाय पीने के लिए तो ये उठे नहीं थे तो बाहर निकले तो वो लेडीज नाइटी पहन के डेविड का हो क्या गया मेरे को यार ऐसी क्या तुम्हें नहीं नहीं वो क्या हुआ था कि ही वेस कप्तान लाली वेस नाइटी तो जो सुबह को उठा तो लाली का नाइटी पहन के बाहर आया और लाली कप्तान ने जी हाँ 8 to 48% अनुमान देखना चाहेंगे आप आए दिखाए ऑडियंस वोट क्या है बेसिकली 10 to 50 है क्या लगता है आपको 8 to 48 छापना चाहेंगे आप छापते हैं 10,000 रुपये के लिए छापना चाहेंगे यस छाप दीजिए छाप दिया 8 से 48% पे छापा है रितेश ने आए देखें कि रितेश जीतते हैं या 10,000 रुपये हारते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस आप जीते हैं 10,000 रुपए लवली कितने यहाँ पर बैठे 5 मर्दों में से एक मर्द फ्रॉक साड़ी नाइटी पहनना पसंद करता है आप पहन चुके हैं आप अभी अभी भी पहने आप अरे जब लड़कियां शर्ट और पैंट पहन सकती तो क्या मर्द नहीं पहन सकते ब्लाउज जी हाँ आपका अगला प्रश्न खिड़की है 30% की खेलेंगे 1,00,000 रुपयों के लिए प्रश्न है यह कि कितने प्रतिशत भारतीय को लगता है कि फिल्म सितारे बिना ज्यादा सोचे हाथापाई पर उतर आते हैं हाथापाई का गलत मतलब नहीं निकालना यार तू क्या बिना सोचे गलत मतलब निकाल रहा है बिना सोचे समझे नहीं ये बिना सोचे समझे वाला हां वही तो बोल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सर सर हेल्प क्या लग रहा है क्या लगता है आपको सर मैंने तो आज तक किसी पे हाथ भी नहीं उठाया मुझे पता भी नहीं ट्वाइस बिफोर गेटिंग टू अ फाइट यस 40 to 70 बिना सोचे समझे नहीं नहीं बगैर सोचे समझे आई डोंट थिंक हाई पर्सन है कि हम लोग फाइट करते कहां व्हाट डज द पब्लिक थिंक नहीं एग्जैक्टली ना But that is what they think, na, because media keeps on carrying all these things, बार 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 कि ये झगड़ा हो गया वो झगड़ा हो गया इसने उसको मारा है एक तो मद्रास कट दिखाते हैं ऐसा भी किया तो 1 2 3 4 5 6 आज का युद्ध इतना सेंसिबल है कि बगैर सोचे समझे प्यार भी नहीं करते करेक्ट बात भाई तो बहुत दूर की बिल्कुल और कोई हाथ उठाता नहीं हाथ उठ जाता है सोच समझ तो डेविड जी कम ऑन व्हाट डू थिंक 0-0 30 to 60 काफी हाई है मुझे बाप बता लास्ट झगड़ा कब हुआ फिल्म इंडस्ट्री में आप बताइए किसने किसको मारा लास्ट झगड़ा कब हुआ फिल्म मारामारी का तीन झगड़े बताइए मारामारी का याद ही नहीं है किसी ने किसी को मारा है याद ही नहीं है मुझे तो याद ही नहीं है आई मीन 8 to 38 कर दे 8 to 38 कम कर दूं ऊपर करें 20% तो है ना 20 to 50 वो ज्यादा नहीं हुआ नहीं बिलीव तो है ना लोग क्या सोचते हैं हां लोग क्या सोचते हैं बिलीव है 10 टू 40 ऐसा सोचते हैं लोग वी नीड मोर हेल्प फ्रॉम द ऑडियंस ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे हां बिल्कुल ऑडियंस पोल इट इज 20 टू 40 20 टू 40 में ही है 20 50 कर दो अगर जो 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 चीज़ें हमारे बारे में लिखी जाती है हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में लिखी जाती हो हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन आम जनता से पूछो ऐसे जिससे कि हमसे पूछा जाता है हमारे बारे में छापते हैं वो उठा उठा के मारेंगे
वो मारेंगे भी कम, घसीटेंगे ज्यादा. और हम लोग ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर दे दिया तो वो चलता रहेगा. उनको चाहिए, तो मौका चाहिए कि उनको मौका चाहिए कि इनसे कुछ ऐसी टेढ़ी बात करो, इनको उकसाओ ताकि ये रिएक्ट करे. तो ये चाहिए, और जैसे ये मिला तो ये 50 बार आते ही रहेगा. होता है, बट बेचारे उनकी रोजी रोटी है, उनको चलता है. हम कौन है किसी की रोजी रोटी छीनने वाले. So 20 to 50 क्या करेंगे आप, छाप दें. 1 लाख रुपयों के लिए खेल रहे हैं आप. छाप दिया 20% से लेके 50% पर. आए देखते हैं कि 1 लाख रुपए लेके जाते हैं रितेश या 1,000. क्या होता है इसके अंदर के ये ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं, हाँ, कि मारो तो खराब लगता है, पिटो तो खराब लगता है, नहीं कुछ करो तो खराब लगता है. तीनों एंगल से यही हो सकता है ना कि आपने मारा या आप पिट गए. मारोगे तो खराब लगेगा, मार या बिचारे क्या इज नॉट नीडेड या शुड हैव छोड़, कुछ नहीं करना चाहिए था. आप पिटे तो बोला यार काय को पिट गया यार, खराब लग रहा है मेरे को. और आप कुछ नहीं करो तो ऐसा लगता है कि आदमी क्यों, वो गलत है, क्यों कुछ नहीं कर रहा आदमी के हाथ हाथ बंधे हुए हैं. करोगे तो हाथ बंध जाएंगे वापस. जीत चुके हैं 1 लाख रुपए. खेलेंगे 10 लाख रुपयों के लिए. खिड़की है 20% की. प्रश्न है ये, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स दूसरे एक्टर्स की पिक्चरें नहीं देखते हैं. पूरी देखते हैं, सब देखते हैं. क्या क्या? एक एक्टर दूसरी एक्टर की पिक्चर है नहीं देखता. अरे अपनी नहीं देखते लेकिन दूसरों की जरूर देखते हैं. अपनी नहीं देखते दूसरे की. डेविड क्या करता है ये बताना सलमान. अगर मैं डेविड के साथ पिक्चर कर रहा हूँ तो इट इज द बेस्ट फिल्म. अरे फार दिया, ये कर दिया, तू देख तू दिया. आप बैठे वहां पे, जरा बता दो कैसा करता है. सुपर फैंटास्टिक, कमाल. और अगर मेरी पिक्चर हो और किसी दूसरे डायरेक्टर की हो तो और अच्छी हो सकती थी. उसका वर्ड एक अब अगर अच्छी बन गई. रबर है और अच्छी बन गई तो हाँ. जवाब क्या होगा? ये तो अच्छी बन गई है. ये रिप्स द फिल्म पार्ट यार. मतलब कि जहां किसी दूसरे की पिक्चर लगी तो पहले हर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या लग गई, बैंड बज गई. हाँ, कोई नहीं आया. और अगर दूसरा फोन कॉल हो जहाँ पर वो पिक्चर की तारीफ कर रहा है तो हाउ वुड ही रिएक्ट? कि मैं बोलूँ कि क्या पिक्चर बनाई है, क्या पिक्चर चली यार. चल गई है. सुपर्ब यार, ये तो रिकॉर्ड तोड़ देगी यार. देखा तो लगा नहीं था. लेकिन यार वो देखा आपको कलेक्शन बताए. अरे बीवी नंबर वन भी इतनी बड़ी हिट थी, अभी लगा नहीं. तारीफ नहीं की जैसे कहना चाहिए था वैसा नहीं कहा. हम दिल और बीवी नंबर वन, हम दिल और बीवी नंबर वन साथ में लगी थी तो हम दिल कर यू नो द रिस्पॉन्स इज आउटस्टैंडिंग. इसे जाके कलेक्शन देख ले, बीवी नंबर वन बड़ी हिट है. बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होता इसको. अगर इसको बीमार करना हो ना, जिस दिन बड़ी हिट फिल्म बीवी नंबर वन, अगर इसको बीमार करना हो ना तो तारीफ कर दो किसी और की. किसी और पिक्चर की तारीफ कर दो, या जब इसकी पिक्चर लगी ना कोई इसको फोन नहीं करना. He got depressed beyond Switzerland. और कोई पिक्चर लगी थी हमारी तो मैंने जो जो इनके लोग हैं जो इनको फोन करके बताते हैं ना, हाँ बीवी नंबर वन, हाँ बीवी नंबर वन, एक आदमी ने इसको फोन नहीं किया. He started getting BP, sugar हो गया और इसे पागल हो रहा था वहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर. ये क्या हो गया? And I told everybody, मैं सबको बोल दिया कि
ये इसका फोन आएगा, फोन उठाना नहीं. तो ये दो दिन चला, ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक, एंड फिल्म बिकेम अ बिग हिट. तो ही वॉज लाइक डिप्रेशन, क्या क्या न्यूज क्यों नहीं आ रही यार, फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया अभी तक. तू ही कर सकता है डेविड. आई लव माई फिल्म. आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पिक्चर अभी रिलीज होगी डू नॉट डिस्टर्ब, क्या लगता है आपको? चलेगी? हाँ चलेगी, चलेगी, चलेगी. बट हैट्स ऑफ टू डेविड, इसका खुद का इंपेशेंट लेवल इतना है कि होता ना कि हम लोग एक्टर बोलते हैं क्या, ये एक डायलॉग डाल दूं, हाँ डाल दूं, काट दूंगा, वहीं पे बोल देता है काट दूंगा. तू बोल दे जो बोलना, मैं काट दूंगा, मैं नहीं रखूंगा. पांच पांच पेज के सीन आते हैं, वो उसको चार लाइन में कर देता है. ये क्या यार, रबड़ है. जब से इसकी खुशी की सबसे अच्छी चीज जो है डेविड की, जो मुझे लगती है, सीन में एक्टर साथ में अगर रो रहा हो तो पीछे से इसकी आवाज आती है और अजीब सी आवाज होती है. उस स्वर्ग फिल्म में सीन चल रहा है, मैं कहा हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मुझे मुकातिल हूँ, जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं. मैं जानता हूँ आशा तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता, कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझ के अपने जिस्म नहीं देता. अब सुनिए, अब इसके बाद कॉमेडी सुनिए इनकी. मैं छोटा सा था, मेरे माँ बाप मर गए, तब मेरे मामा ने अपने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझसे कहा कि बेटे ना मत रो, मामा इस मामा लफ्ज के साथ, माँ का लफ्ज इसलिए लगा हुआ है कि मामा माँ से दुगना प्यार करता है. पीछे से आवाज आई. तो अगला डायलॉग ही भूल गया मैं. कट कट, तू रुक गया मैं. पहले हंसी की आवाज आती है, इनोसेंस, ये मासूमियत इसकी, क्योंकि और जो हम लोग कॉमेडी कर रहे होते तो पहले हंसी की आवाज इसकी आती है, इसकी आती है और रुमाल खा जाता पूरा. और जहाँ इसको लगा कि किसी हीरोइन ने अच्छा काम नहीं किया, अगर कोई न्यू कमर को लॉन्च कर रहे हैं ये कि दिया कुछ, ये कट का बोलता है, ये हट बोलता है, कट कट हट. और एक्टर और एक्ट्रेस जो भी है, जैसे उसने पहला शॉट देखा, नल्ला है, नल्ला है, नल्ली नल्ली नल्ली, शी इज आउट ऑफ द फिल्म. कोई भी हो, शी इज आउट ऑफ, ही इज आउट ऑफ द फिल्म. चांस ही नहीं है बॉस कि मैं अपनी पिक्चर को खराब, टेम्पो नहीं तोड़ूंगा, टेम्पो नहीं तोड़ूंगा, मेरे को पिक्चर फास्ट चाहिए. सुपर इज ये सुपर. प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स दूसरे एक्टर्स की पिक्चरें नहीं देखते हैं. आप अनुमान लगाइए, आप भी वोट कीजिए. मैं तो लगता है कि व्हाट डू पीपल थिंक, हम लोग सब देखते हैं. और क्योंकि आज जो जो इंडस्ट्री में है, जो जो के मेल स्टार्स हैं, उन सब की काफी अच्छी काफी अच्छी तरह बनती है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डीवीडी मंगा के रात को, किसी को मालूम नहीं है रात को. मेरी तरफ क्यों देख रहा है? नहीं तुम लोग नहीं, तुम लोग नहीं हो. वी तो कॉम्प्लीमेंट, वी तो स्ट्रेट अप कॉम्प्लीमेंट. बहुत अच्छा काम किया. बट देयर आर पीपल कि जितनी पिक्चर चले, जितना अच्छा काम हो, जितनी पिक्चरें चले, उतना हमारा इंडस्ट्री पार्टनर बहुत लोगों ने देखी है. हमारी फैमिली चलती है. नहीं नहीं, जैसे जब हम इनकी पिक्चर देखते हैं, ऑलवेज ऑलवेज वी ऑलवेज से दैट आउटस्टैंडिंग वर्क. आप तो फिल्म देखने के बाद तारीफ करते हो, हम तो देखते ही तारीफ कर देते हैं. जी हाँ, तो आप, आपने सबसे ज्यादा किसकी पिक्चर देखी है? शाहरुख खान. शाहरुख खान, उसका उसका एक रीजन है कि मैं जब भी मैं कॉलेज में था, मैं बहुत शाय था, शाय हूँ, और मैं किसी लड़की को चाहता था लेकिन मैं ये कह नहीं पाता था. तो फिर दिलवाले दुल्हनिया रिलीज़ हुई और फिर सुना, आप अभी भी उतने ही शाय हो? हाँ मैं उतना ही शाय हूँ. सुना है? सुना है. हो के नहीं, ये नहीं मालूम. अभी भी, अभी भी उतना ही शाय हूँ. होना अच्छी बात है. अच्छी, बहुत अच्छी बात है. जी हाँ, तो आप बता रहे थे. तो तब दिलवाले दुल्हनिया आई और कुछ कुछ होता है आई, उसके बाद लगता था कि काश मैं भी राज बनूं, काश मेरे लिए भी कोई सिमरन हो. यू नो इट इट जस्ट आई वांटेड टू बी हिम, आई वांटेड टू बी अ गाय लाइक हिम हु
you know, some girl would like, you know, but it never happened. It won't happen. लड़की को दौड़ाने से nothing happened. But it was great. No, I think actually what he does on his films and everything, he does a fantastic job. उसकी जो आँखों में एक intensity है, romance की जो intensity है, and he's outstanding in his energy level on screen. Yes, brilliant, brilliant. आपका शाहरुख खान का फेवरेट सीन कौन सा है? This scene from दिल तो पागल है, जहाँ पर शाहरुख खान is sitting next to करिश्मा कपूर and she's upset, बहुत रो रही है, you know, कि भगवान मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझसे प्यार नहीं करता, and शाहरुख खान says कि बहुत बुरा है, हर किसी के लिए वो कोई और बनाता है, किसी एक के वो किसी और से प्यार करवाता है और उस किसी और को किसी और से प्यार करवाता है, उसे करना ऐसा चाहिए जब एक को किसी और से प्यार करवाए तो उसी उसी को उससे प्यार करो, लेकिन करता ऐसा है नहीं, वो बहुत बहुत बुरा है। I'm so nervous कि मैं आप दोनों के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे हाँ, तो मुझे लग ही रहे हैं। जी हाँ, प्रश्न ये था कि आपको पता है क्या था? आपने अनुमान क्या लगाया? मैं लगाया क्या लगाया? डेविड जी कितने लोगों को लगता है? 10 लाख रुपयों के लिए खेल रहे हैं आप? I think बहुत कम होंगे ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हम किसी और की पिक्चर नहीं देखते। 10 to 30 सर। हाँ। एक ऑडियंस पोल देखना आपको। ऑडियंस हाँ। एक ऑडियंस पोल देख लेते हैं। 30 to 50 क्या करें? 30 to 50 It's a 100%. It's the audience point of view, ना? Yeah. Yeah. 25 to 45 also. कम करें? Yeah, कम करें। नीचे हाँ नीचे क्या करना चाहेंगे? This is right. छाप दे सर। ये छाप दो। ये आवाम भी यही चाहता है। छापो। जीते तो 10 लाख, हारे तो 10,000। मैं कन मुझे समझ में नहीं आ रहा। छाप दे। छाप दो। छाप दो। इसको समझ नहीं आ रहा। तू किधर है? कहीं इधर नहीं है, उधर है। छाप दे। समझ ही नहीं आ रहा मुझे। वक्त आ गया। छाप दे। जय महाराष्ट्र सर। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। 25% से लेके 45% पर रितेश ने छाप दिया है। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स दूसरे एक्टर्स की पिक्चर नहीं देखते हैं, आए देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं और ये कितना ले जाते हैं, 10 या 10? नहीं देखते। दस लाख रुपए जीते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा 1 करोड़ रुपयों के लिए। खिड़की होगी 10% की। खेलना चाहेंगे नहीं खेलना चाहेंगे? सर, ये 10 लाख देख लीजिए। प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय किसी पुराने प्रेमी के शादी में शामिल हो चुके हैं? बुलाए या बिन बुलाए? आप प्रश्न तुझ्यासाठी जास्त आहे। आई थिंक वील क्विट। या वी क्विट। बहुत लेट द मनी गो टू चैरिटी। डिफिकल्ट क्या? मैं 2 शादी अटेंड करके आया हूँ। हाँ, ये अटेंड करके। इसमें डिफिकल्ट क्या है? दो ने बुलाया नहीं, एक ने किया नहीं। तो
इसमें डिफिकल्ट क्या है बॉस? You're happy. Yeah, happy. Yeah, yeah, happy. Yeah, happy. किसी शादी हो गई. That's the best thing. Good. खुशी के मौके पर I think everyone should go. खुशी 100%. If someone is happy. और I hope कभी दुख ना आए. लेकिन जब दुख आएगा तो it should be there. We'll be there. आप कभी किसी के पुरानी प्रेमिका के शादी में शामिल हुए हैं? बिल्कुल. किसकी? हाँ किसकी? मैं अपनी प्रेमिका. किसकी? तू है अपनी गर्लफ्रेंड. तेरी प्रेमिका थी? तुझे टाइम कब मिला? तू गया, तू बोलता है फर्स्ट शूटिंग से निकलता है, स्क्रिप्ट में चला जाता है, स्क्रिप्ट से निकलता है, सोने चला जाता है, सोने के निकलता है, खाने चला जाता है. काम एक लैमिनेटर थी इसके पास, वो अभी भी है. मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा पिक्चर ठोकेगा तो उसको रात चमका के खोल खोल रहा मेरे यार. डेविड की शादी अरेंज मैरिज हुई है और फर्स्ट लड़की जो डेविड के लाइफ में आई है वो लाली भाभी है. और हमको घर जाना है, जाकर जूता नहीं खाना है. हाँ तो हमको तमीज में रहना है. तो डेविड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है. मेरा ये मानना है कि यू नो हम लोग ये खेल रहे हैं, 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है. और मैं अगला ये सवाल भी खेलूं और अगर गलती से मैं हार जाऊं तो आई फील रियली बैड कि आई हैड दैट अमाउंट दैट वी कुडंट हेल्प अ गुड कॉज. आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस. अरे डोंट वरी फॉर दैट चांस, यू प्ले आराम से. फॉर दैट चांस आई शो यू समथिंग व्हाट वी हैव फॉर बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट. डोंट वरी अबाउट दैट. आइए जरा मुझे दिखाना एक चीज हमारे दर्शकों को. ये जो घड़ियां आप हम सबके हाथों में देख रहे हैं ये बीइंग ह्यूमन की घड़ियां हैं जो कि आ जाएंगे बिकने के लिए और इसके जो पैसे आएंगे वो जाएंगे हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में. जैसे कि टी शर्ट्स आ रहे हैं वैसे कि घड़ियां आ रहे हैं. जी हाँ जी. तो आप खेलिए अगर आपको खेलना. डोंट वरी अबाउट दैट बॉस, ऊपर वाला देगा. तो क्विट कर गए और जीत गए 10 लाख रुपए. अगर इसने सही अनुमान लगाया और ये जीता ना बॉस 1 करोड़. मतलब 90 गए नहीं रहे. 90. आइए प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय किसी पुराने प्रेमी की शादी में शामिल हो चुके हैं? तू 2 में गया. तू दे. I would say about इस सवाल का जवाब 25 to 35 मुझे ऐसा लग रहा है. करेक्ट. इतना ऊपर नहीं है. ये तो वे क्या करते रहते हैं. हाँ 25 और 35 के बीच में. देवी जी बराबर है. अभी छापने की जरूरत भी नहीं है. हाँ, नहीं okay. नहीं ना, हो गया ना? तो ये लगा 25 से लेके 35 का शौक है तो छाप दे. देखिए हाँ ये रहा जवाब आपका. कुछ भी करता है. पकड़ो मुझे कोई. अरे जीत गए यार. पानी मारो. रितेश नब्बे बहुत होता है यार. क्या ऑडियंस यार 90 50 लालच नहीं चाहिए. लालच बुरी चीज. फाइन. अरे इसमें तो अच्छी बला है. इस वाले में तो अच्छी बला थी. एनीवे थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर प्लेइंग 10 का दम विद मी. लव यू ऑल. थैंक यू. वेरी वेरी आइए एक तस्वीर खींचना है मुझे. कहाँ है मेरा फोन? सैमसंग स्टार टच फोन. इसकी एक स्पेशलिटी है कि जब तक आप स्माइल नहीं करेंगे ना बॉस ये खींचेगा नहीं.
आ Thank you very much. Love you, love you. Ugly Saturday in Jaskar. Come out, come out.